गाइस माय जोमेटो ऑर्डर वाज लेट एंड आई वाज टॉकिंग टू द कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव एंड मीनवाइल द डिलीवरी पर्सन जस्ट डिड दिस ही हिट मी लेफ्ट मी ब्लीडिंग हियर एंड रन ऑफ प्लीज शेयर दिस वीडियो विद एवरी गाइस वेलकम माय YouTube चैनल के सिंह यार्ड लोगों को थंबनेल देख के पता चल गया होगा कि आज की वीडियो किस पे बनने वाली है, जो कि कंट्रोवर्सी चल रही है, ये जो हमारी सूपनखा मैडम है उसके ऊपर और ये जो हमारे जोमेटो गाय है। तो सूपनखा मैडम का कहना है कि ये जोमेटो गाय मेरे को कुछ खाने पीने वाली चीज़ें डिलीवर करने आया, तो मतलब आया तो पैसे नहीं दिए, ये नहीं दिया या मेरे को टाइम पर नहीं पहुँचाया, तो बस मेरे को बगैर मतलब के ही पीट दिया। कुछ भी यार, मतलब के कौन पीटता है यार। मारो हमको, जिंदा मत छोड़ो सालो, हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। दूसरी तरफ हमारा जोमेटो गाय कह रहा है, नानू यार मेले ने कंप्लेंट कोड़क सिद्धा इल्ला, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ನನ್ನ ಜೀವನ ನಾ ಮುಂದೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಈ ಕೇಸಿಂದ ಆಚೆ ಬರಬೇಕು, ನನ್ನ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನ್ನ ತಂದೆ ಇಲ್ಲ, ಸತ್ತಿರೋಗಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಶಾಲ, ನನ್ನ ತಾಯಿನೂ ಒಂದು ಸುಗದಿದೆ ಪೇಷಂಟ್, ನಾನು ಒಬ್ಬನೇ ಮನೇಲಿ ದುಡಿತಾ ಇದ್ದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕಾಪಾಡಿ ಈ ಕೇಸಿಂದ ಸಚ್ ಬತಾವು ಇಸ್ಕಾ ಸಮಜ್ ಮೇರೆಕೋ ಕುಚ್ ಭೀ ನಹೀ ಹೈ ಲೇಕಿನ್ ಇಸ್ಕಾ ರೋನಾ ದೇಖ್ ಕೇ ನಾ ಮೇರಾ ರೋನಾ ನಿಕಲ್ ಗಯಾ। मेरे को पता चला कि मैं ही नहीं रोया, जिन बंदों ने इनकी बात सुनी ना इस बंदे की, वो सारे के सारे रोए हैं। What a sad man। रुकावट के लिए खेद है, अभी वीडियो शुरू भी नहीं हुआ है, लेकिन हम पहले ही बता देते हैं कि अगर दोनों में से कोई विलन है तो वो है हमारी सूपनखा मैडम। No, God, please, no, no, no! मगर क्यों? नहीं बोल रहा हूँ, मेरे पास प्रूफ है तो बोल रहा हूँ। उसको कोई ऑप्शन नहीं दिखा और आप देख सकते हैं यहाँ पे ये मेरे को स्क्रैच है जो उसी दिन आया है मेरे हाथों पे जब उसने मुझे लिफ्ट से निकलते। रुको जरा, सबर करो। फ्लैशबैक। Happened to anybody out there? Thank you, thank you. जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दो। भूख के लिए कोई ऐसा भी कर सकता है क्या? क्या कहूँ ऐसे लोगों को? कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं ये? बड़ा प्रूफ तो ये है कि इसकी कोई पुरानी दोस्त थी जो 3 साल पहले इसके साथ इसको रूममेट बन के इसके साथ रहती थी, बॉम्बे में या बंगलोर में रहती थी। उसने खुद कमेंट किया है, इसको फ्री खाने की आदत थी, ये ऐसे ही पहले ऑर्डर कर लेती थी और फिर झूठा कह देती कि 1 घंटा लेट आया है ऑर्डर, और फ्री का जो डिलीवरी बॉयज थे उनको देकर जाना पड़ता था, तो फिर ऐसे अपना पेट भरती थी। मेट्रो बॉय ने कहा कि मैंने कुछ नहीं कहा, ये चप्पल से मुझे पीट रही थी, वो बेचारा डिफेंड कर रहा था और अपने आप को, और उसकी खुद की अंगूठी लग गई उसके खुद के नाक पे और उसका नाक छिल गया और ऐसे वो जो खून उसके नाक से बह रहा था। मुझे कहीं से भी कोई ताल्लुकात नहीं लगता है। आप ध्यान से नोटिस कीजिए, इसके पूरे एजेस एकदम ब्लंट हो गए क्योंकि ये 5-6 साल पुराने। और उस मैडम को अगर उसके खून पे यहाँ पे लगाना तो उसका फ़ायदा उसको ये हुआ कि उसके फॉलोवर्स थे 20,000 इंस्टाग्राम पे और अभी 1 लाख हैं। मतलब यार ये कमाल है, मतलब ये कौन सी ट्रिक है यार। भूख मिटाने के लिए किसकी नौकरी छुड़वा दी, इतना बुरा हाल कर दिया। तुम्हें शर्म है कुछ? कुछ शर्म आया है? मैं मैडम को एक एडवाइस देना चाहूँगा कि मैडम आपके लिए ना हमारे भारत में ना स्पेशल सेंटर खोले गए हैं जिसको हम जेल कहते हैं। वहाँ पे 3 टाइम का खाना फ्री मिलता है और 2 टाइम का जाने को मिलता है, तो अगर आप जाएँ तो वहाँ पे जा सकती हैं। और बात पता चली है कि वो जो अपना जोमेटो गाय है उसको भी थोड़ा सपोर्ट मिलने लगा है, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला है जब से पता चला कि वो बंदा ठीक है, मैडम गलत थी। तो जितने भी सपोर्टर्स हैं वो साथ मिलकर उसके साथ वो गए हैं अपना थाने गए हैं और FIR कर दी है। जब से पता चला मैडम को कि ये बात हो गई, FIR हो गई है, उस तब का पता ही नहीं मैडम का। या मैं एक शेर बोलना चाहूंगा मैडम के लिए कि बड़े से बड़े भूखे देखे नहीं देखी आज तक ऐसी, बड़े से बड़े भूखे देखे नहीं देखी आज तक ऐसी, ऐसी मतलब क्या? ऐसी मतलब क्या? ऐसी मतलब क्या?
तेरे जैसे। वैसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और शेयर करें जितना हो सके। और भाई नहीं कह रहा हूँ क्योंकि अभी थोड़ी देर में एंड स्क्रीन में मेरी एक और वीडियो आ रही है, वो भी बड़ी दर्शक है, देख के देखे बगैर मत जाना, ठीक है? वो भी देखना और इन्जॉय करना।